सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खैर है मैडम, इस नाचीज की क्या जरूरत पड़ गई? ये कल वाली सेलिब्रेशन की ग्रुप फोटो है। जहे नसीब, मेरा भी रिसीव कर लिया आपने। एक फेवर चाहिए। महंगी पड़ गई है फोटो। तुम तंज के बगैर रह नहीं सकते। एक फेवर ही तो मांग रही हूँ बस। फेवर मुझसे? जी, तुमसे। सोच लो। क्यों, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे क्या? आई एम सॉरी मानुषा, अनफॉर्चुनेटली हमारे दरमियान ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है जिसकी बेसिस पे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। आर यू श्योर? 100%। तुम्हें जरा सी भी इंसानियत नहीं है असवी? इंसानियत? अगर इंसानियत ना होती तो उस दिन बचाता उन लड़कों से। वो तो तुम्हें वैसे ही शौक चढ़ाता हीरो बनने का। तुम्हारी यही फजूल बातें सुन के ना इंसान का मीटर घूम जाता है। मैं जा रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट मेरी बातें सुन लो। सुनाओ, तुम्हारे पास एक मिनट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो भी अम्मा से माफी मांगनी है। तो जाकर मांग लो माफी। मुझसे क्या परमिशन लेटर चाहिए? तुम उनको प्लीज कहीं बाहर ले आओ ना, मैं तुम्हारे घर नहीं जाना चाहती। अच्छा, बदतमीजी करने घर आ सकती हो लेकिन माफी मांगने नहीं आ सकती। मैं तुम्हारी निदा भाभी के मुंह नहीं लगना चाहती। अगर ऐसा है तो अपना मुंह भी कहीं और ले जाओ। मैं अपनी भाभी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। असली तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं वहां नहीं आ सकती। अब मेरी भी जिद है कि तुम्हें वहीं आना होगा। असली अब तुम गलत बात कर रहे हो। मैं तो सिर्फ गलत बात कर रहा हूँ, तुमने तो गलत हरकत की है। और अफसोस इस बात का है कि तुम्हें एहसास भी नहीं है तुमने किया क्या है। एहसास है, इसीलिए तो माफी मांगना चाह रही हूँ मैं। बड़ा कोई अजीब एहसास है कि जिससे माफी मांगनी है उसे घर से बाहर बुलाया जा रहा है। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस वजह से नहीं आना चाह रही। और मैंने भी तुम्हें कह दिया है मानुषा कि तुम्हें माफी मांगने घर ही आना होगा, बस। चैलेंज कर रहे हो मुझे? हाँ कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब तुम देख लेना, तुम्हारे घर आए बगैर मैं भी अम्मा को राजी कर लूंगी। देखते हैं, तुमने अगर राजी कर लिया ना बेटा तो जहाँ कहोगी ट्रीट दूंगा। ठीक है, अभी से पैसे जमा करना शुरू कर दो।